जनवरी 2017 को शिमला में भारी हिमपात हुआ। हिमपात समाप्त होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और रिज पर बर्फ का आनंद लेने लगे। जाखू की पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हैं। चर्च जो शिमला की शान है, परंतु बर्फ से बहुत सारे पेड़, बिजली के खंभे और सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हो चुका था। लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाने कार्यालय जाना, आगे के सफर के लिए पैदल ही निकलना और बिजली कर्मचारियों के लिए एक चैलेंज कि बिजली की आपूर्ति करनी है, परंतु इस हिमपात के फायदे भी काफ़ी होते हैं। बागवान इससे खुश हैं, किसान भी खुश हैं। लोग अपने कार्यालय को जाते हुए, क्योंकि आह्वान का आना जाना बंद है, आएगा वापस। लेकिन बच्चों के लिए तो ये मस्ती भरा है। ये बिना किसी चिंता के बर्फ पर खेलते हैं और काफी आनंद लेते हैं, परंतु माता पिता को उनकी चिंता रहती है। स्कैंडल पॉइंट पर लाला लाजपत राय के बुद्ध के आगे भी लोग, परंतु मुसीबत यह है कि बर्फ की वजह से सड़कें अवरुद्ध हो गई है। पुलिस के लिए भी यह एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बर्फ पर गाड़ियों का आगे चलना बड़ा मुश्किल है। हर जगह ऐसा लगता है जैसे जीवन रुक चुका है। लेकिन लोग फिर भी पैदल चलते हो, सड़कें को साफ होती नजर आ रही है। बिजली वाले कर्मी बिजली की तारों को ठीक करते हुए रिज पर लोग आनंद लेते हुए